फिर हम खुश नहीं करना चाहते क्योंकि तुम हमारे देश के नागरिक हो, तुम हमारे देश के हमारे हिंदुस्तानी भाई हो, हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ना है तो चलो, देखे तुम्हारी बहादुरी, चलो चाइना के बॉर्डर पर। कहा गया है कि आप राजभर, आप और शिवपाल जी एक गठबंधन बनाए, इसमें क्या कहना है? मैं फिलहाल राजनीति की बात नहीं करना चाहता, मैं फिलहाल सिर्फ देश की बात करना चाहता हूं। और राजनीति भी मैं जो करता हूं वो अपने देश के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, एकता और भाईचारे का माहौल बनाने के लिए करता हूं। और 2024 में किस किस्म का माहौल बनेगा, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि 2024 के लिए अगर मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी का, तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मायावती चाहती हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए, समाजवादी वाले चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए, ये लोग अगर सब अपने लिए काम करते रहेंगे कोई नहीं बनने वाला है। सबको मिलके, कांग्रेस वालों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, सबको मिलके किसी एक कोई एक साफ सुथरा चेहरा सामने लाना चाहिए। वरना आने वाले वक्त में मैं बताता हूँ, मुसलमान ने भी ये मन बना लिया है कि अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, नितिन गडकरी या योगी आदित्यनाथ हमारी तरफ से देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। अगर इन्होंने कोई मजबूत गठबंधन नहीं बनाया, और मेरी राय यह है कि अगर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते हैं सब मिलके, और इसमें किसी किस्म की सियासत नहीं होती है, तो बेहतर नतीजा निकल सकता है। वरना भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ना कांग्रेस कर पा रही है ना कोई और दल कर पा रहा है।